हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रोबोविल आईटी कैप्सूल के बारे में। रोबोविल आईटी कैप्सूल है टू कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, जिसमें रोबेप्रेजोल सोडियम एंड दूसरा है इटोप्रिक हाइड्रोक्लोराइड। रोबेप्रेजोल इसी में मिलता है 20 mg और इटोप्रिक हाइड्रोक्लोराइड इसमें मिलते हैं 150 mg। ये कैप्सूल फॉर्म में आते हैं। कई बार डॉक्टर ने हमें रोबोविल आईटी कैप्सूल रिकमेंड की होती है और हम ले भी आते हैं, पर हमें इसका यूज पता नहीं होता। तो मैं आज इस वीडियो में आपको इसका यूज बताने वाली हूँ। रोबेप्रेजोल सोडियम एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग्स है, जो हमारे स्टमक में एक्सेस एसिड सीक्रेट होता है उसको डिक्रीज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। रोबोविल आईटी कैप्सूल हम किस कंडीशन में यूज करते हैं? रोबोविल आईटी कैप्सूल हम हाइपर एसिडिटी में यूज की जाती है और गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर में इसका यूज किया जाता है। और जैसे कि हमारा जो गैस्ट्रिक एसिड होता है, इसका रिफ्लेक्स इसोफेगस में होता है, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। हॉट बर्न में इसका यूज किया जाता है। एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होता है, इसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। ये सारे कंडीशन सिर्फ हमारे हाइपर एसिडिटी की वजह से होता है। और रोबेप्रेजोल और इटोप्रिक हाइड्रोक्लोराइड ये दोनों ही मेडिसिन हमारे एक्सेस एसिडिटी को डिक्रीज करने के लिए मदद करते हैं। एक कैप्सूल हमें इसोफेगस जो कैंसर होता है उसको भी प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जो एसिड के वजह से हमारे जो अल्सर होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एक कैप्सूल फॉर्म में इसकी प्राइस हमें 189 में है और 10 कैप्सूल का एक स्ट्रिप आता है और इसका डोज हमें दिन में एक बार इसका यूज किया जाता है। और ज़्यादा अल्सर हो तो दिन में 2 बार भी इसका यूज किया जाता है। इस कैप्सूल को हमें कब लेना होता है? इस कैप्सूल को हमें खाली पेट मतलब सुबह ही लेना होता है, तभी ये वर्क करती है। अगर हमने सुबह मिस कर दिया डोज तो हम खाना खाने से 1 घंटे पहले इसका यूज कर सकते हैं। इस कैप्सूल को हमें लेना कैसी है? इस कैप्सूल को हमें ये देख लो, इसमें कैप्सूल है, आप देख सकते हैं कैप्सूल है। इसको विदाउट क्रश करके हमें पानी के साथ इसको लेना होता है और ये कैप्सूल दिन में 1 बार और सुबह खाली पेट ही हमें इसका यूज करना होता है। इसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, ये देख सकते हैं आप। हाइपर एसिडिटी में भी बहुत यूजफुल मेडिसिन है, तुरंत ही हमारी एसिडिटी कम कर देती है। मैंने खुद इसको यूज किया है, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।